हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक बॉटनिकल आर्ट बना रहे हैं, उसके बारे में आपको कलर्स बता रही हूँ। सबसे पहले हम क्या क्या और कौन कौन से कलर्स लेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे एक ब्लैक, ब्रंसीनिया, रॉ अम्बर, ऑर्च येलो, लेमन येलो, डीप ग्रीन, लाइट ग्रीन एंड सिप ग्रीन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेट एंड वेट टेक्निक से। इसके लिए हमको ब्रश को पानी में वेट करना पड़ेगा और जहाँ जहाँ हमको कलर करना है एक्सेप्ट फ्लावर, उसमें हम उस ब्रश को डिप करके वहाँ पे पानी से पूरा उसको पेपर को वेट कर देंगे। फिर हम लेंगे लेमन येलो कलर और लेमन येलो कलर को हम पूरे पेपर पे कर देंगे जहाँ जहाँ हमने पानी फेरा है। फ्लावर को आपको नहीं करना है क्योंकि फ्लावर को हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं येलो के ऊपर ग्रीन कलर कर रही हूँ, लाइट ग्रीन कलर ये मैंने किया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ब्रश को हमको वेट ही रखना है, साथ में पानी भी ज़्यादा क्वांटिटी में पानी लेना है और कलर भी साथ साथ में करना है। तो अब मैं ले रही हूँ ब्लैक कलर और उस ब्लैक कलर को मैं वहाँ कर रही हूँ जहाँ लीव्स नहीं है, जो लीव्स का एरिया नहीं होता है वहाँ हम ब्लैक कलर कर रहे हैं और उस ब्लैक कलर को डार्क करना है। और ब्रश को आपको वेट ही रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ब्रश को आपको वेट ही रखना है। देन गाइस, अब मैं कर रही हूँ येलो के स्पॉट्स दे रही हूँ, येलो और ग्रीन के साथ साथ मैं ब्राउन के स्पॉट्स भी मैं दे रही हूँ। उससे क्या होगा, जो अपना जो लुक आएगा पीछे बैकग्राउंड का वो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसको ब्लेंड करना है, पानी आपको ज़्यादा लेना है और कलर कम लेना है। तो अब मैं लीफ के ऊपर कलर कर रही हूँ, उसके लिए मैं पहले मैंने लीफ को पूरा वेट कर दिया था, उसमें मैंने लेमन येलो और लाइट ग्रीन का मिक्स कलर किया है। और फिर कहीं कहीं स्पॉट्स कर रही हूँ मैं ग्रीन कलर के, डार्क ग्रीन के भी स्पॉट्स कर रही हूँ, साथ साथ में लाइट ग्रीन के भी स्पॉट्स, जो साइड साइड वाला एरिया जो अपना होता है वहाँ मैं डार्क ग्रीन कलर कर रही हूँ। और साथ में एक पतले सी ब्रश से मैं उसको बॉर्डर देने की ट्राई कर रही हूँ। तो गाइस, यहाँ पे भी मैं सेम टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं यहाँ पे ग्रीन कलर कर रही हूँ और फिर उसके ऊपर मैं ब्लैक कलर करूँगी। तो आप देखिए, मैंने ग्रीन कलर कर दिया है, अब मैं ब्लैक कलर इसके ऊपर कर रही हूँ ताकि वो थोड़ा डार्क हो जाए। अपन डार्क ग्रीन कलर भी कर सकते हैं, लेकिन वो कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा बेटर रहता है लाइट ग्रीन और ब्लैक का, या सेप ग्रीन और ब्लैक का, तो वो मैंने किया है। उसके साथ ही मैं उस पर थोड़ा शेडो देने की ट्राई करूँगी। तो गाइस, अब यहाँ मैं एक लीफ और कर रही हूँ, उसके लिए मैं सेप ग्रीन कलर ली रही हूँ। सेप ग्रीन कलर से मैं पहले इसमें पूरा बेस कलर कर दूंगी और फिर मैं इसके ऊपर इसकी शेडो दूंगी। तो गाइस, ये लीफ मैंने कर दी है, अब मैं इसको बेस कलर को ड्राई होने के लिए कुछ देर के लिए रख दूंगी। तब तक मैं
इस वाली लीफ में इसकी बॉर्डर करूँगी। ये बॉर्डर मैं कर रही हूँ रॉम बर्ल से, और उसमें मैंने थोड़ा सा ग्रीन मिक्स कर दिया है ताकि वो ग्रीन का मिक्सचर और रॉम बर्ल का मिक्सचर लगे, तो वो शेडो का लुक थोड़ा अपना आ जाए, इसलिए मैं दोनों का मिक्स कलर कर रही हूँ। और फिर इसके हाइलाइट्स के लिए मैंने लाइट ग्रीन कलर ले लिया है, और लाइट ग्रीन कलर पे यहाँ पे मैं इस पे ब्रश को टैप कर रही हूँ, साथ साथ में इसके इफेक्ट्स भी आ जाएंगे ताकि इसका शेडो जो पार्ट रहेगा या हाइलाइट पार्ट रहेगा तो वो अपना ज़्यादा दिखने लग जाता है। सेम इधर भी अब मैं रॉम्बर और ग्रीन का मिक्स कलर कर रही हूँ बॉर्डर के लिए, और मैंने ये ट्रिपल जीरो का ब्रश ले लिया है ताकि वो अच्छे से बॉर्डर मेरी अलग से दिखने लग जाए। उसके बाद मैं ब्लैक कलर और डार्क ग्रीन कलर से यहाँ शेडो दे रही हूँ। यहाँ पे ये जो लीफ अपने ऊपर आ रही है उसकी शेडो नीचे आएगी, तो शेडो हमेशा डार्क ही होती है या बहुत लाइट होती है, तो यहाँ पे ये ग्रीन मेरा डार्क है तो मेरी शेडो भी डार्क ही होगी, तो यहाँ मैं इसका शेडो दे रही हूँ। साथ में मैंने यहाँ पे सेंटर वाले पार्ट पे मैंने लेमन येलो कर दिया है, और फिर मैंने यहाँ पे लिया है रोज मैदा लैक प्लस वाइट इसके लिए, ताकि मेरा बेबी पिंक कलर बन जाए। आपके पास कोई भी पिंक कलर हो तो वो आप ले सकते हैं, और इस पे वेट एंड ब्लेंड टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ। जहाँ मुझे डार्क पार्ट लेना है वहाँ मैं थोड़ा डार्क कलर ले रही हूँ, जहाँ मुझे लाइट लेना है वहाँ मैं बिल्कुल वाटर डिप वाटर का ही यूज कर रही हूँ, बस मैं उसमें कलर नहीं लगा रही हूँ। तो गाइस प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, FB पर भी मुझे फॉलो करें प्लीज, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो गाइस यहाँ पे मैं फर्स्ट लेयर कर रही हूँ फ्लावर की, उसको ड्राई होने के बाद अपन सेकंड लेयर करेंगे। फर्स्ट लेयर में आपको कुछ नहीं करना है, वाइट नॉर्मल सा ब्रश डिप करके आपको कर देना है, फिर आपको ये जो पेटल्स रोज के अंदर की जो इसकी दिख रही है उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पिंक कलर कर दिया। मैं सेकेंड लेयर मैंने कर चुकी हूँ, मैं यहाँ पे मैंने थोड़ा पर्पल कलर भी यूज करा है, मैंने थोड़ा शेडो बना दिया है, फिर मैं हल्के हल्के स्ट्रोक्स दे रही हूँ थोड़े डार्क कलर से, डार्क पिंक कलर से, और फिर ये मेरी थर्ड लेयर कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।